आपका सवाल है, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सम्राट अशोक। आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 25, सी 30, डी 35। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25। आपका अगला सवाल है, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1995 में, बी 1998 में, सी 1985 में, डी 1987 में। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में। आपका अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मार्टिन कूपर, बी आर्किमिडीज, सी कार्ल लैंडस्टीनर, डी वास्को डी गामा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर। आपका अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 500 वाट, बी 450 वाट, सी 635 वाट, डी 746 वाट। दोस्तों, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। आपका अगला सवाल है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एरियोमीटर, डी स्कैलिपर्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 22 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 27 डिग्री सेल्सियस, डी 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है?
आपका ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी डेविड जूलियस, सी मैडम मैरी क्यूरी, डी क्लॉस हेसलमैन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैडम मैरी क्यूरी। आपका अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी लोकमान्य तिलक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।